नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आपके लिए लेकर आया हूं एक बार फिर से अपनी ट्रेडिंग की समरी। आज का वीडियो थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम 3 दिन से लेट हो गए हैं। वीक खत्म हुआ था फ्राइडे को, लेकिन हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक मार्केट रिलेटेड इवेंट अटेंड कर रहे थे। बेसिकली बैंगलोर में एक 3 दिन का ट्रेडर्स कॉन्क्लेव था, तो उसके चलते मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन मेरे को अपने खुद के डिसिप्लिन के लिए अपनी समरी अपने हिसाब से तो बनानी है। तो और वैसे भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल वीक था, बहुत ज़्यादा मार्केट गिरी, तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वीक रहा हमारे लिए, तो वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो इसलिए चलिए देखते हैं पिछला हफ्ता हमारा ट्रेडिंग की दुनिया में कैसा रहा और हमने कैसा परफॉर्म किया। तो ये मैंने ट्रेडर्स कॉन्क्लेव अटेंड किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग। वहाँ पर एक डेन बनाया था उन्होंने, फोटो बूथ एक तरह से कह सकते हैं। तो ये फोटोशॉप पिक्चर नहीं है, बेसिकली एक डेन था पूरा कमरे जैसा जिसमें आप अपने फ़ोटो खिंचवा सकते थे। तो मैंने ऐसे ही सोचा एक फ़ोटो आपके साथ शेयर करता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था ये फोटो का। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा पिछला हफ्ता कैसा रहा ऑप्शन राइटिंग से। और बहुत चैलेंजिंग मार्केट था, तो ऑब्वियसली हमारा परफॉर्मेंस आपने गैस कर ही लिया होगा कैसा रहा, क्योंकि मैं एक पोजिशनल ऑप्शन सेलर हूँ और आपको पिछले हफ्ते ही बताया था कि पोजिशंस काफ़ी फंसी हुई हैं, तो फिर तो बैंड बजना लाजमी है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा हमारा वीक, कैसे हमने उसको नेविगेट किया। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा जब आप देखोगे कि डेली लेवल पे मैंने किस तरह का प्रॉफिट बुक किया और किस तरह का प्रॉफिट खड़ा हुआ, या किस तरह का लॉस बुक किया, किस तरह का लॉस खड़ा हुआ। उससे आपको एक व्यू बहुत इंटरेस्टिंग तरह से मिलेगा। वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का, और फिर आज का भी ये मंडे का थोड़ा सा दिखा रहा है इसमें, लेकिन फिलहाल हम इस पर फोकस करेंगे। तो अगर आप देखो तो फ्राइडे से, उससे पिछले फ्राइडे यानी 27 सितंबर से मार्केट ने जो गिरना शुरू किया वो एक तरफा गिरावट, बड़ी गिरावट आई, और पिछले 2 हफ्तों को एनगल्फ करके उसके भी नीचे मार्केट बंद हुई कहीं जाके। तो खतरनाक मूव था, और ऐसे में जितना कम लॉस करो उतना अच्छा है, मैं ऑप्शन सेलर के हिसाब से बोल रहा हूँ। इंट्राडे वालों ने तो फिर भी अच्छा कमाया हो सकता है। तो अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल में अलग अलग समय अच्छा या बुरा होता है। तो ये हमारा हो गया निफ्टी। और इसी के हिसाब से अगर आप इंडिया विक्स देखो, तो जैसे मैंने हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया विक्स निफ्टी की मिरर इमेज होता है, निफ्टी नीचे तो विक्स ऊपर। तो पिछले हफ्ते का इंडिया विक्स, ये पिछले हफ्ते के 4 दिन थे, 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक के। तो जैसे जैसे निफ्टी नीचे गिरा वैसे वैसे इंडिया विक्स ऊपर पहुंचा। तो इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरह से पेश कर रहा हूँ उसको, तो लगभग सेम ही है। लेकिन इस स्लाइड में अगर आप ऊपर वाला पार्ट देखो तो निफ्टी है पिछले 3 हफ्ते का, और नीचे वाला पार्ट इंडिया विक्स है। इनका कोरिलेशन जैसे मैंने बोला कि आप एक, आपको ऐसा लगेगा शीशे के इधर उधर खड़े हैं। तो ये चीज़ समझने के लिए बहुत जरूरी है कि कैसे इंडिया विक्स और निफ्टी एक दूसरे के ऑपोजिट लगभग लगते हैं, राइट। तो चलिए हम देखते हैं इस हफ्ते कैसा रहा, बहुत बड़ा फॉल और इंडिया विक्स का चढ़ना। तो एक तरफा फॉल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, इंडिया विक्स का चढ़ना तो और भी बुरा है। तो दोनों को मिलाकर काफी हमारा इंटरेस्टिंग वीक रहा। तो ये पहले आते 30 तारीख को, यानी कि मंडे को। 30th को अगर आप देखो तो निफ्टी हाईएस्ट पॉइंट से 26,200 से पहले ही गैप डाउन खुली, और फिर दिन भर दिन की सारी कैंडल्स रेड थी। लास्ट वाली कैंडल हल्की सी ग्रीन थी, उसको कुछ भी मान नहीं सकते हम लोग। और उसी के हिसाब से दिन भर निफ्टी लगभग 250 पॉइंट गिरा और 26,000 के नीचे बंद हुआ बहुत दिनों के बाद। उसी के हिसाब से इंडिया विक्स शूट अप कर गया पहली कैंडल में, और फिर वो ऊपर ही खड़ा रहा, बल्कि हल्का 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 ऊपर ही जाता रहा। तो इंडिया विक्स 12 के नीचे जो बंद हुआ था, 11.96, जो मैंने बोला था कि इंडिया विक्स अपने लोवेस्ट लेवल पर आ गया था फ्राइडे को, वो ऊपर शूट करके 13 के ऊपर बंद हुआ और निफ्टी नीचे बंद हुआ। तो ऐसे में हमें क्या करना था, जैसे मैंने बोला पोजीशंस बहुत ज़्यादा हमारी खड़ी थी, बैंक निफ्टी की भी निफ्टी की भी। तो उसमें हमें बेसिकली कॉल्स में प्रॉफिट हुआ तो कॉल्स का प्रॉफिट बुक किया, जितने भी पुट्स खड़े थे मंथ एंड के पिछले हफ्ते के उन सब में लॉसेस होने शुरू हुए। तो एक तरह से इवन दो हमने कॉल्स में 1.67% का प्रॉफिट बुक किया अपने पोर्टफोलियो वैल्यू का, लेकिन खड़ी हुई पोजीशंस में -3.33%, 3.5% के करीब का लॉस हमारा ऐड हो गया। तो टोटल 1.66% का लॉस पहले ही दिन हो गया, बहुत बड़ा लॉस हमने खा लिया पहले दिन। ये वन ऑफ द बिगेस्ट लॉसेस है हमारा एक किसी भी एक हफ्ते एक दिन का बोल रहा हूँ। उसके दो रीजन थे मेन, एक तो मार्केट में बड़ी गिरावट जो पहले से ही हमारी पोजीशंस खराब थी, और दूसरा इंडिया विक्स का चढ़ना। तो 30 तारीख मंडे काफी खराब।
फिर ट्यूसडे को हम आए, तो ट्यूसडे को अगर आप देखो तो मार्केट काफी हद तक फ्लैट रही, जहां पे 30 तारीख को बंद हुई थी, 1 तारीख को, ट्यूसडे को बस उसी रेंज में घूमती रही। उसी की वजह से थोड़ा इंडिया विक्स भी टूटा, पहले दिन जहां बंद हुआ था 13 के आसपास, फिर 12.2 के आसपास आ गया। तो इन हमें दोनों चीजों का फायदा मिला। तो इसमें हमने क्या किया कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की थोड़ी सी हमने लॉस वाली पोजीशंस भी काटी और प्रॉफिट भी बुक किए। तो एक तरह से सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा दिन गया हमारा। तो हमने थोड़े लॉसेस बुक किए। लॉसेस कौन से बुक थे? जो हमारी खड़ी पोजीशन में लॉस था थोड़ा सा, उसको हमने बुक किया। लेकिन क्योंकि इंडिया विक्स भी टूटा और अच्छा डीके मिल गया हमें, तो एक तरह से जितना लॉस हमारा 30 तारीख को, तो पूरा का पूरा एक तरह से 1 तारीख को उतना ही गेन हो गया। तो बिटवीन दीज 2 डेज हम एक तरह से ब्रेक इवन हो गए। 1.66% का लॉस, 1.66% का गेन। केवल मेरे को याद है कि 130 140 रुपये का फर्क था, परसेंटेज में कुछ नहीं दिखता है। उसके बाद 2 अक्टूबर की गांधी जयंती की छुट्टी थी, फिर आया 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को देखो कोहराम फिर से चालू हो गया। 3 अक्टूबर को पहले ही इतना बड़ा गैप डाउन, मार्केट ने लगभग 200 पॉइंट का गैप डाउन दिया और दिन भर मार्केट गिरती ही रही। पहली कैंडल तो फिर भी थोड़ी सी रेड बनी, ग्रीन बनी, लेकिन उसके बाद सारी कैंडल्स रेड और मार्केट लगभग 25,250 के आसपास बंद हुई और मार्केट नीचे गिरी तो इंडिया विक्स चढ़ गया। तो इंडिया विक्स की अगर आप देखो तो पहली 5 कैंडल्स ग्रीन थी, मतलब ऊपर चढ़ता रहा। तो दोनों तरफ से हमें झटके मिले और इन दोनों तरफ के झटके इतने महंगे पड़े कि एक बार फिर से जो हमारे साथ मंडे को हुआ था वही हमारे साथ वेडनेसडे को हुआ। बल्कि वेडनेसडे को शुक्र है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हमने खत्म कर दी थी, लेकिन निफ्टी की एक्सपायरी में हम लोग और भी ज्यादा फंस गए और लॉस हमारा वेडनेसडे को और भी बड़ा हो गया। तो एक बार फिर से सेम स्टोरी रिपीट हुई। खड़ी हुई पोजीशंस में कॉल्स में हमने प्रॉफिट बुक करके कॉल्स को हम तो थोड़ा और नीचे ले आए, लेकिन पुट्स में लॉस होता गया, कहीं हमारे पुट्स इन द मनी भी आ गए। तो कहीं ना कहीं हम काफी फंस गए और -1.9 से 2% के करीब का लॉस हमारा बुक हो गया वेडनेसडे को। थर्सडे को हमारी इवेंट थी, तो लेकिन पोजीशंस खड़ी थी, तो इवेंट में पहले कुछ घंटों में ज्यादा काम इवेंट को बहुत अच्छे ढंग से अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत अच्छी बहुत पावरफुल इवेंट थी। उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, मैं अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत चीज़ों का नया पर्सपेक्टिव मिला, बहुत सारे ट्रेडिंग के सीक्रेट्स मिले, इन्वेस्टिंग के सीक्रेट्स मिले। तो अगर आपको जानना है कुछ भी तो कमेंट में लिखिए, वैसे मैं अपनी तरफ से शेयर करने की कोशिश करूंगा ही कि इवेंट में ऐसा क्या सीखा। बहुत पावरफुल स्पीकर पूरे इंडिया से आए थे, लगभग 450 लोग बैंगलोर में शेराटन होटल में, काफ़ी ज़बरदस्त इवेंट थी वो। खैर अब चलते हैं 4 तारीख को। 4 तारीख को अगर आप देखो तो एक बार फिर से 4 तारीख को मार्केट ने और भी डांस कराया, क्योंकि मार्केट लगभग फ्लैट खुली, फ्लैट खुलकर लगभग 150 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर गई और पहले 2-3 घंटे में, और उसके बाद बहुत बड़ा फॉल। तो एक तरह से फॉल कंटिन्यू हो गया और थर्सडे और भी घातक सिद्ध हो गया। और इसी के साथ साथ जो हमारा इंडिया विक्स है वो तो उसने तो गिरने का नाम ही नहीं लिया, वो तो थर्सडे को भी चढ़ता रहा। दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे तो 14.5 के आसपास काफी ऊपर चढ़कर बंद हुआ। तो एक बार फिर से हमारी सेम कहानी रिपीट हुई कि कॉल साइड में प्रॉफिट्स बुक किए और पुट साइड में प्रॉफिट्स बड़े बड़े ऐड होते गए और कहीं ना कहीं हम लोग को 1.46% हमें लॉस हो गया। तो देखा जाए तो टोटल हमारे बाद के 2 दिन बहुत खराब गए, और अगर हम उसको टोटल करके देखें तो ओवरऑल वीक का हमारा 3.5% 3.44% का लॉस हो गया। तो जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है तब से ये मेरा सबसे बड़ा लॉस है, एक वीक लेवल पे बोल रहा हूँ। और इसीलिए वीडियो बनाना जरूरी था कि मैं पिछले हफ्ते ही बोल रहा था कि कहीं ऐसा ना किसी हफ्ते जिस हफ्ते नुकसान होगा उस हफ्ते हम वीडियो बना पाएंगे कि नहीं। लेकिन इसीलिए इवन दो इवेंट के दिनों वीडियो नहीं बना पाया, तो मैं सोचा आज मंडे है, आज ये काम एक तरह से आप इसको टिक मार्क भी मान सकते हो, लेकिन इसको निपटाना चाह रहा था मैं इस काम को, जिससे अपनी तरफ से मैं ऑनेस्टी के साथ चैन की नींद सो सकूँ आज रात। क्योंकि फिर मेरे को अगले 3-4 दिन पूरी जो हमने ट्रेनिंग की थी उसका डेटा कंप्लाइल करना है। लेकिन साथ साथ अगर आप देखो मंडे भी इसमें आज का दिन भी थोड़ा सा दिख रहा है, तो निफ्टी और ज़्यादा गिरा, इंडिया विक्स और ज़्यादा चढ़ा, तो और भी कॉम्प्लेक्स पोजीशन में फंसता जा रहा हूँ मैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें बड़ी पोजीशन मेरी इस वीक की भी है, बैंक की भी और निफ्टी की भी। बैंक ने तो और भी ज़्यादा उधम मचाया, लगभग 3,000 3,500 पॉइंट्स पे नीचे गिर चुका है, तो उसकी हम बात करेंगे अगले हफ्ते। तो फिलहाल ये हमारा समरी हो गया पिछले हफ्ते का, काफी खराब वीक, सबसे खराब वीक बेसिकली। और अगर हम अब समरी देखें
हाँ, लॉस के हिसाब से अगर क्वांटिफाई करना है तो मेरे को हर 10 लाख रुपए पे 34,400 रुपये का लॉस हुआ। बड़ा लॉस पर चलता है, मैं बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह के लॉसेस मैंने पहले भी कई बार देखे हैं। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं, मेरे को लग रहा है महीने में 2% कमाने से हटकर 3-4-5% कमाने की तरफ जा चुके हैं, इसीलिए मेरी पोजीशन थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होने लगी है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मार्केट अच्छे से पैसा दे रही थी, देखते हैं इस महीने बाकी दिन क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। तो पिछले वीक नंबर 32 से 40 तक अगर हम देखो तो सबसे खराब वीक हमारा ये वाला गया। इस वीक का लॉस -3.44। इस वीक निफ्टी ने भी लॉस किया, मतलब पोर्टफोलियो में भी लगभग 4.5-5% का लॉस हुआ। तो ओवरऑल हमारा पिछले 9 हफ्तों का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस 7.42% है। लेकिन हम मेनली बात करेंगे अगर केवल क्यूमुलेटिवली अपनी ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में 5.88% का प्रॉफिट है। और ओवरऑल हमारा क्यूमुलेटिवली देखें तो पोर्टफोलियो में भी प्रॉफिट ये 1.52% का, तो टोटल 7.42% का प्रॉफिट। तो इस वीक की अगर हम प्रॉफिट लॉस समरी आपको क्विकली पॉइंट दिखाएं, तो अब हमारे 31 विनिंग डेज हो गए हैं और 12 लूजिंग डेज हो गए हैं कंटिन्यूसली। तो बेसिकली थोड़े लूजिंग डेज इस बार बढ़ गए हैं हमारे। और पिछले 9 हफ्तों में 7 हफ्ते पॉजिटिव, 2 हफ्ते नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव हफ्ते एकदम से भारी पड़ जाते हैं। इस वीक का स्पेशल ये था कि सबसे खराब हफ्ता हुआ हमारा, पिछले 9 हफ्तों की बात कर रहा हूँ, और महीने की शुरुआत हुई है, तो एक तरह से सबसे खराब महीने की शुरुआत में से एक माना जाएगा। थोड़ा इस महीने की शुरुआत पिछले महीने ही हो चुकी थी, उससे पिछले हफ्ते ही, लेकिन सारी पोजीशन इस हफ्ते तो इसी महीने की थी। तो अगले हफ्ते के लिए पोजीशंस हमारी सेट हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पोजीशन, मतलब फंसी हुई पोजीशन है। खासकर अगले 2-3 दिन बहुत बहुत क्रिटिकल है। लेकिन मंथ एंड की पोजीशन भी मेरी थोड़ी सी कॉल्स जो है निफ्टी में, थोड़ी पुट जो है वो इन द मनी आ चुकी हैं, तो देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, फर्स्ट डे मंडे ऑलरेडी थोड़ा नेगेटिव हुआ है, और बाकी तो देखते हैं अगला वीक कैसा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इस वीक में हो सकता है अपनी ट्रेडिंग में मैं थोड़े से बहुत हल्के फुल्के कुछ या तो चेंजेस लाऊं या कुछ न्यू स्ट्रेटेजीज ट्राई करके भी देखूं, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है ऑप्शंस को लेके, ऑप्शन सेलिंग को लेके इवेंट में, उसको डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप कमेंट में लिखिए कि आप कुछ मेरे से सीखना चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं खासकर, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बनाऊँ पूरी की पूरी इवेंट के ऊपर कि मैंने क्या सीखा, क्या क्या लगा मेरे को। तो इस वीडियो को छोटा रखते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं अपने लिए ये वीडियो बनाता हूँ, तो मेरा दिल नहीं मान रहा था कि आज रात मैं बिना इस वीडियो को कंप्लीट करे सो जाऊँ, ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले फ्राइडे। इस बीच मेरे शॉर्ट्स या और जो भी वीडियोज है वो देखते रहिए, लेकिन ट्रेडिंग की समरी तो अगले हफ्ते के एंड में ही होगी। तो चलिए, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन, आपसे लूंगा विदा, और फिर लेकर आऊँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। और हाँ, अपने अगले हफ्ते की ट्रेडिंग की समरी, बहुत ही वोलेटाइल हफ्ता होने वाला है। नमस्कार।